बड़े बुजुर्गों के 38 नियम अपना कीमती समय निकालकर जरूर पढ़ें। एक, रोजाना टमाटर या टमाटर से बने जूस का सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। दो, दुनिया का सबसे ज्यादा वजन बढ़ाने वाला आलू चिप्स है। आलू चिप्स खाने से जितना वजन बढ़ता है उतना वजन पिज्जा या बर्गर खाने से भी नहीं बढ़ता। तीन, यदि बुखार की वजह से मुंह का स्वाद बिगड़ गया है तो एक लौंग मुंह में रखकर कुछ देर चूसने के बाद चबाकर खा ले, ऐसा करने से मुंह का स्वाद अच्छा हो जाता है। चार, जलेबी को गर्म दूध के साथ खाने से कमर दर्द, थकान, सर्दी और जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। पाँच, यदि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो सुबह सूरज की रोशनी में जरूर बैठे। सुबह की रोशनी में बैठने से विटामिन डी की कमी नहीं होगी। छह, यदि शरीर को खूबसूरत और स्वस्थ रखना चाहते हैं तो रोजाना खुली हवा में लंबे लंबे सांस ले और कुछ देर पैदल जरूर चले। साथ, जो औरतें भैंस के दूध में चने भिगोकर खाती हैं उनके शरीर का दुबलापन दूर होता है और शरीर को ताकत मिलती है। आठ, यदि आप टॉयलेट जाते समय अपने दांतों को दबाए रखते हैं तो दांत मजबूत रहेंगे और कभी आपको लकवा की बीमारी नहीं होगी। 9, अगर आप ज्यादा टेंशन लेते हैं तो इसकी वजह से खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है जिससे शरीर में खून के थक्के जमने लगता है और हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। 10, ज्यादा मीठी चाय पीने से मोटापा जल्दी बढ़ने लगता है। 11, रात को सोने से पहले सौंफ का सेवन करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसके लिए एक चम्मच सौंफ के साथ दो बादाम खाएं, इससे बहुत ही अच्छे फायदे मिलते हैं। 12, जो महिलाएं बाल बांध कर रखती हैं उनके दिमाग को ताकत मिलती है और बाल गिरने की समस्या भी नहीं होती। 13, सेब का जूस निकाल कर इसमें अदरक का रस मिलाकर पिए, इससे टाइफाइड बुखार में राहत मिलती है। 14, कच्चा सुहाग पानी में पीसकर दिन में 3 से 4 बार दाद या खुजली किस जगह पर लेप करने से आराम मिलता है। 15, रात के समय चाय पीने से बचे क्योंकि रात के समय चाय पीने से दिमाग कमजोर होता है। 16, रोजाना भुने हुए चने खाने से दिमाग ताकतवर होता है और याददाश्त बढ़ती है। 17, अगर कब्ज की समस्या रहती है तो रोजाना शाम को पपीते का सेवन जरूर करें। 18, अगर आपके होंठ काले हो गए हैं तो अनार के बीज और मक्खन के पेस्ट को मिलाकर होठों पर लगाए होंठ गुलाबी होने शुरू हो जाएंगे। 19, अगर आपकी लंबाई नहीं बढ़ रही है तो विटामिन डी का अधिक से अधिक सेवन करें। 20, पेट में दर्द होने की समस्या है तो हींग और काली मिर्च का पाउडर मिलाकर पानी के साथ लेने से पेट दर्द में तुरंत आराम मिल जाता है। 21, चेहरे पर मुहासे की समस्या है तो हल्दी में पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं, फिर इसे चेहरे पर लगाएं, इससे मुहासे ठीक हो जाते हैं। 22, मोटी इलायची का पानी उबालकर पीने से पेट की चर्बी कम होने लगती है। 23, चेहरे से मेकअप हटाने के लिए कच्चे दूध का इस्तेमाल करें, इससे मेकअप आसानी से उतर जाएगा और स्किन भी अच्छी रहेगी। 24, यदि ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो ककड़ी और खीरे का सेवन करें, इससे ब्लड प्रेशर जल्दी ठीक हो जाता है। 25, अदरक वाला पानी पीने से शरीर में जमा हुआ खून चलने लगता है। 26, रात को अंधेरे में सोने से डिप्रेशन का खतरा कम रहता है। 27, यदि केला खाने से आपको कब्ज की दिक्कत हो जाती है तो केला खाते समय थोड़ा सा काला नमक और हल्की सी काली मिर्च लगाकर और खाएं, इससे कब्ज की समस्या नहीं होगी। 28, फ्रिज में ब्रेड को नहीं रखना चाहिए, इसे हमेशा खुले में सामान्य तापमान पर रखना चाहिए, इससे ब्रेड जल्दी खराब नहीं होता। 29, यदि आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आलू का सेवन ज्यादा करें।
30. यदि हाथ पैरों का रंग सांवला पड़ जाए तो रोजाना रात को सोने से पहले कच्चा दूध लगाए, इससे जल्दी हाथ पैर साफ होने लगेंगे। 31. कच्ची मूली खाने से दिमाग तेज होता है और जिन्हें पेशाब रुक रुक कर आता है उन लोगों को भी इसका सेवन करने से लाभ होता है। 32. दांतों से नाखूनों को ना कटे, इससे नजर कमजोर होती है और पेट में भी कई बीमारियां होने का खतरा रहता है। 33. रोजाना सुबह उठते ही बालों में कंघी करने से बाल कम टूटते हैं और बालों में मजबूती बनी रहती है। 34. लहसुन की कली कटी हुई हो या साबुत फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। लहसुन नर्म होकर अंकुरित होने लगता है और इसका स्वाद कम हो जाता है और लहसुन के जो लाभकारी गुण होते हैं वह भी खत्म होने लगते हैं। 35. रोजाना सुबह के समय एक टमाटर खाने से बाल जल्दी सफेद नहीं होते हैं। 36. अलसी के बीज 1 चम्मच। अलसी आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होती है। आप अलसी के बीजों को रात के समय पानी में भिगोकर रख दें और फिर अगली सुबह इसका सेवन करें। ये बीज फाइबर, आयरन और प्रोटीन से भरपूर होते हैं जो वजन घटाने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। इन बीजों का रोजाना सेवन करने से कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। 37. बादाम को रात भर भिगोकर रखने के बाद इसका पोषण काफी बढ़ जाता है। बादाम मैग्नीशियम से भरपूर होता है जिसका सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की समस्या से राहत मिलती है। भीगे हुए बादाम हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार होते हैं। बादाम खाने से दिमाग भी बढ़ता है और शरीर को एनर्जी भी मिलती है। 38. अंजीर विटामिन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर और फास्फोरस से भरपूर होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचते हैं। अंजीर को रात भर पानी में भिगोकर रख दें और फिर अगली सुबह इसे खा लें। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक समान प्रक्रिया के लिए है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर यह नियम अपनाएं। अगर दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पैसों से दवाएं खरीदी जा सकती है पर स्वास्थ्य नहीं, इसलिए आप अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।